नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिद्धिमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। अब आज के डेट में अगर हम स्कूटर्स की बात करते हैं तो स्कूटर्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चॉइस बन चुके हैं, स्पेशली क्योंकि ये एक बहुत ही कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है। आप सेल्स चार्ट देखें हर महीने तो आपको स्कूटर्स जो है टॉप ऑफ द लिस्ट में देखने को मिल ही जाएंगे। चाहे हम एक्टिवा की बात करें या जुपिटर जैसे स्कूटर्स की बात करें, ये सभी स्कूटर्स जो है आपको सेल्स चार्ट में टॉप ऑफ द लाइन में देखने को मिलेंगे। साथ में ही आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जिस तरीके की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो रिलायबिलिटी अच्छी है, एफिशिएंसी देती है एंड साथ में ही प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है मोटरसाइकिल से काफी ज्यादा अच्छा पैकेज आपको स्कूटर्स देखने को मिल जाता है। अगर मार्केट में और एक फैमिली के लिए बढ़िया स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बेहतरीन स्कूटर्स जो मेरे हिसाब से फैमिली बायर्स के लिए बेहतरीन चॉइस होने वाले हैं। सबसे पहला स्कूटर है दोस्तों वो है TVS जुपिटर। अगर आप जुपिटर की बात करते हैं तो ये एक्टिवा का डायरेक्ट कंटेंडर है और हमेशा से ही काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल करता है। डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सिंपल बट काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ ये स्कूटर देखने को मिल जाती है। एंड करेंटली TVS इसको तीन डिफरेंट वेरियंट में सेल कर रही है। सबसे पहला है जुपिटर स्टैंडर्ड, जो आपको स्टील व्हील्स के साथ भी अलॉय व्हील्स के साथ भी मिल जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ ओवर द टॉप चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जो अच्छे फीचर्स जैसे कि LED हेडलैम्प्स, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप, मोबाइल चार्जर वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है ZX, जिसमें अगेन थोड़ी और एनहांसमेंट हो जाती है इन द टर्म ऑफ पेंट फिनिश, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाता है, साथ में ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत लोग पसंद करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा ही। अगर हम जुपिटर क्लासिक की बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़े से न्यू रेट्रो फिनिश देखने को मिलते हैं। जो एलिमेंट्स एंड एक्सेसरीज हैं वो थोड़ा इसको और ज़्यादा रेट्रो स्कूटर बनाता है, लेकिन जो बेसिक डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल तीनों ही स्कूटर के सेम है। जुपिटर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसकी परफॉर्मेंस, बेहतरीन एंड पेपी इंजन के साथ आता है एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको ये देता है। चाहे आप इसको सिटी में डे टू डे चलाएं या कभी कदार अगर आप हाईवे पे भी ले जाते हैं तो इसका परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। माइलेज की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड 45-50 KMPL तक का माइलेज रिटर्न कर देता है। हालांकि माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन एंड हैबिट्स पे भी, लेकिन 45-50 तक का माइलेज आप अच्छे तरीके से अगर स्कूटर को चलाते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है स्कूटर की वो है इसकी हैंडलिंग। तो बहुत ही इजी टू मैन्यूवरेबल स्कूटर है, सिटी में अगर आप चलाएंगे तो इसकी हैंडलिंग जो आपको बहुत ही प्रिसाइज एंड बहुत ही क्रिस्प लगने वाली है। एंड अगर लेडीज भी इस स्कूटर को चलाते हैं तो किसी भी तरीके से जो है ये स्कूटर उनको बहुत ज़्यादा हार्ड टू राइड नहीं लगेगी, तो ये चीज़ जो है स्कूटर की अगेन एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये कई मामलों में इसके प्राइम कंटेंडर होंडा एक्टिवा को अंडरकट करता है एंड साथ में फीचर्स के मामले में भी आपको ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं फ्रॉम दी होंडा एक्टिवा। जो दूसरा स्कूटर है वो आता है फ्रॉम दी 125cc सेगमेंट और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दी सुजुकी एक्सेस 125। अब इस स्कूटर का भी मैंने डिटेल रिव्यू किया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके डेफिनेटली उसको देखें तो आपको हर छोटी बड़ी चीज़ें जो है स्कूटर के बारे में मालूम चल जाएगी। सबसे पहली बात होगी इसकी परफॉर्मेंस। जी हाँ, ये जो परफॉर्मेंस रिटर्न करती है वो सही में बहुत मज़ेदार है। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, पेपे इंजन है और जिस तरीके का ये पिकअप उठाती है, जिस तरीके से ये स्टेबल रहती है, ये चीज़ आपको इस स्कूटर की डेफिनेट बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पे अगर राइड कंफर्ट की, तो एक्सेस की राइड कंफर्ट जो है इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हमेशा से ही रहा था और इस अपडेट में भी जो है सुजुकी ने उस चीज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ राइड कंफर्ट वाला बॉक्स भी आपका बिल्कुल टेक हो जाता है। माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगेन ये स्कूटर जो है ऑलमोस्ट 110cc वाले काउंटर पार्ट जितना माइलेज आपको रिटर्न कर देती है। तो आपको इसमें जो है अब ज्यादा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो ये सभी चीजें जो आप एक मॉडर्न डे स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड प्राइसिंग के मामले में भी जो है ये अब थोड़ी सी देखो कॉस्टली हो जाती है, बिकॉज सभी स्कूटर्स में जो है थोड़ा सा प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल जो पैकेज मिलता है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पैकेज है, स्पेशली अगर आप 125cc सेगमेंट में एक बेहतरीन फैमिली स्कूटर ढूंढ रहे हैं। तो
मेरा थर्ड चॉइस है वो है होंडा एक्टिवा। अब एक्टिवा की अगर बात की जाए तो क्या ही मतलब, ये बहुत ही पॉपुलर है और अब 6th जनरेशन में आ चुका है। तो 6G की अगर बात करें तो पहले काफ़ी सारी कमियां थी, मुझे लगता है जिस प्राइसिंग पे स्कूटर को लॉन्च किया है होंडा ने, इसमें और भी ज़्यादा फीचर्स होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो पहले कमियां थी उनको यहां पे अब हटा के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई है, वो डेफिनेटली एक काफ़ी बेहतरीन बात है। अब आपको 12 इंच के फ्रंट व्हील्स मिलते हैं, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है, एंड ओवरऑल स्कूटर को होंडा ने बिल्कुल ग्राउंड्स अप डेवलप किया है। जो सबसे खास बात है इस स्कूटर की वो है इसकी राइड कंफर्ट एंड रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट जो है स्कूटर की बहुत अच्छी, मतलब कभी कभी ये स्कूटर ऑन रहता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या मेरी स्कूटर ऑन है या नहीं है। एंड जो राइड कंफर्ट है, जिस तरीके का सस्पेंशन ट्यूनिंग है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। जुपिटर से थोड़ा ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, 171 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन हैंडलिंग के मामले एंड इंजन के पेपिनेस के मामले में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जुपिटर जो है एक ज़्यादा बेहतर चॉइस लगेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई परफॉर्मिंग स्कूटर नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन राइड कंफर्ट एंड एक साइलेंट रिफाइंड राइड जो है आपका प्राइम कंसर्न है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्टिवा जो है एक ज़्यादा बेहतर स्कूटर लगने वाला है। जो मेरा चौथा स्कूटर है वो है हीरो माइस्ट्रो एज। अब माइस्ट्रो टेक्निकली दो डिफरेंट इंजन ऑप्शंस के साथ आता है, आपको माइस्ट्रो एज 125cc सेगमेंट पे भी मिल जाएगी एंड साथ में ही आपको 110cc के इंजन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 110cc वाला वर्जन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा चॉइस ज़्यादातर फैमिली बाइट्स के लिए मिलेगा, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर साइड पर ढूंढ रहे हैं लेकिन ओवर दी टॉप स्पोर्टी डिज़ाइन नहीं ढूंढ रहे, तो यहाँ पे आपको माइस्ट्रो एज बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स के साथ आता है, काफ़ी अच्छा रिफाइंड इंजन है एंड डेफिनेटली जो इसकी राइड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी बेहतर लगने वाली है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है इस सेगमेंट में, मेरे हिसाब से अभी भी जो जुपिटर है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मतलब पेपिनेस के साथ आता है। अगर आप एक्टिवा एंड जुपिटर से कंपेयर करते हैं तो ये इन बिटवीन कहीं ना कहीं हैंडलिंग में आता है, जुपिटर की हैंडलिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर है एंड उसके बाद जो है हीरो माइस्ट्रो एज आता है। एक्टिवा की हैंडलिंग अभी भी उतनी ज़्यादा बेहतर आपको नहीं लगेगी इन दोनों स्कूटर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑल इन ऑल प्राइसिंग की बात करें, फीचर्स की बात करें, डिजाइन की बात करें, हीरो माइस्ट्रो एज 110 जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है किसी भी फैमिली बायर के लिए। तो ये तो दोस्तों मेरे कुछ चार पिक्स अगर आप मार्केट में एक बेहतरीन फैमिली स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब दे दूं। मैं दर्शक के साथ इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।